हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। AICC सचिव और पूर्व सांसद हरीश चौधरी ने हजारों की भीड़ जुटाकर बायतू विधानसभा से भरा नामांकन। त्रिकोणीय टक्कर के रंग में बासपा डाल सकती है भंग। बाड़मेर AICC सचिव और पूर्व में बाड़मेर जैसलमेर सांसद के रूप में बाड़मेर का प्रतिनिधित्व कर चुके हरीश चौधरी ने इस बार बायतू विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया है। नामांकन से पूर्व सभा का आयोजन हुआ, जिसमें हरीश चौधरी के हजारों समर्थकों सहित बाड़मेर कांग्रेस के बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, जिला अध्यक्ष फतेह खान, महंत निर्मल दास जी महाराज, रूपाराम धंदे मौजूद रहे, जिसके बाद रैली के रूप में उन्होंने नामांकन भरा। इससे पूर्व नामांकन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जनता के बीच रहा हूं, जनता जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, मैं पार्षद से राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। हजारों की संख्या में भीड़ जुटाकर पूर्व सांसद ने ये जाहिर कर दिया कि इस बार चुनाव में बायतू विधानसभा सीट काफी हॉट सीट रहेगी और मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा। किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष और भाजपा से बायतू के मौजूदा विधायक कैलाश चौधरी प्रतिद्वंदी के रूप में हरीश चौधरी के सामने हैं और लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल भी बायतू में काफी सक्रिय रहे, जो भाजपा और कांग्रेस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी का उम्मीदवार अभी तक यहां घोषित नहीं किया है। वहीं बसपा ने किशोर सिंह कानोड को बायतू विधानसभा से मैदान में उतारा है। किशोर सिंह भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, जो प्रमुख पार्टियों के रंग में भंग डाल सकते हैं। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।